अस्सलाम वालेकुम। तो यह है एक छोटी सी कहानी। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं ईदी के लिए क्या करता था, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैंने अबू से ईदी कभी नहीं मांगी। ये बात सच है क्योंकि अबू थोड़ा इतने ईजी गोइंग नहीं थे जितना मेरी अम्मी थी, तो हमेशा मैं अम्मी के पास ईदी के लिए जाता था। तो एक बार कमरे में अबू और अम्मी दोनों थे, तो मैं आधे घंटे तक बस उधर ही खड़ा रहा इस कोशिश में कि जैसे ही अबू निकलेंगे तो मैं अम्मी से ईदी मांगूँ। मगर अम्मी चली गई और अबू नहीं गया, और मैं पूरा दिन अबू के साथ बैठा रहा। अबू मुझे कुछ उनकी कहानियाँ सुना रहे थे। तो वो एक पहली ईदी थी जो मुझे पूरा दिन ईदी नहीं मिली, दूसरे दिन बाकायदा अम्मी ने दे दिया। तो यह है मेरी ईदी की कहानी कि मैं क्या क्या हरकतें करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बताना चाहूँगी कि ज़ारा जो अभी भी बहुत शैतान है, वो ईद छोटे पे कुछ साल पहले तक भी कैसी थी। तो ईद बहुत मायने रखती है हमारे घर में। तो मुझे याद है कि जब हमारे घर मेहमान आते थे और अम्मा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती थी, तो जब वो कुछ तो ईदी दे के चले जाते थे हाथ में, लेकिन कुछ जब वापस जा रहे होते थे और ईदी नहीं देते थे हमें, तो मैं उनके कुर्ता या उनकी शलवार पकड़ लेती थी और कुछ नहीं बोलती थी, तो ताकि उन्हें समझ आ जाए कि मुझे ईदी चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दिल तो बहुत करता है कि अभी भी ऐसी ईदी मांगूँ। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती थी, तो उम्मीद है कि इस बार कबीर के घर पर भी बहुत अच्छी चीज़ें बनेंगी। अब कबीर नहीं, हमारा घर हो गया, तो देखते हैं क्या बनता है इंशाल्लाह। अमान बताओ, तुमने क्या किया ईदी के लिए? सब ईदी देते थे, तो इन्होंने दी, इन्होंने दी, पापा ने दी, सब ने दी, और सब मेले ले जाते थे और खर्चा करना पड़ेगा। कबीर चाचू तुम्हारी ईदी छीन लेते थे ना? हाँ। देखा, इतने शैतान थे कबीर चाचू। अब ज़ारा छीन लिया करेगी इसकी ईदी इंशाल्लाह। तो ये हम तीनों की ईद की कहानी है, और हम तीनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक।